से मेरे प्रोग्राम में भी बार बार कह रहे हैं कि कराची में खून बहेगा, खून की नदियां बहेंगी. आपने ये बात बार बार कही है और नजर आ रहा है कि बैटल वहां पे जारी है, लेकिन इस बैटल में एक बड़ा अहम हिस्सा या किरदार इस ऑपरेशन का है. अब आप मुसलसल फौज की सपोर्ट करते हैं और हम भी फौज की इस हैसियत में बड़ी इज्जत करते हैं कि वो हमारे लिए लड़ती है और हमारे लिए कुर्बानियां देते हैं जवान, लेकिन इस वक्त फौज की जो चपकलश हुई कराची के मामले में वो एमक्यूएम के साथ हुई. अगेन एमक्यूएम से आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, इसको आप कैसे देखते हैं इस टसल को? देखें, मैं तो पॉलिटिकल साइड पे एमक्यूएम को की बात करता हूं. जो उसका टारगेट विंग है, जो उसका टारगेट किलर है, मैं उसका डेडली मुखालिफ हूं. मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का इंसान हूं. अगर मुझे अपने किसी सके रिश्तेदार के खिलाफ भी बात करनी हो तो मैं इस बात से नहीं घबराता. मैं देखें आर्मी का इसलिए सपोर्टर हूं कि इस मुल्क में अब पाकिस्तान को बचाने की और पाकिस्तान को आगे ले जाने की एक ही इदारा रह गया, वो पाक फौज है. और खुदा ना खास्ता उसमें भी आपने ऐसे ही बातें करनी लोगों ने शुरू कर दी तो फिर ये टटपूंजी है जो टके शेर बेचने वाले और बकाऊ माल हैं, जो क्या अर्ज करूं आपको, जो बिकते हैं, जो एक दफा बिकता है वो 100 दफा मिलता है. जो मरासी और मालशीय टाइप के लोग हैं जो हर उठते सूरज की पुजारी बन जाते हैं, सो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं उनके लिए मौत का पैगाम होगा. और फौज जो है बहुत अच्छा कर रही है कि जमहूरियत के साथ खड़ी है. मुखालफत हमें करनी है इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं, बेईमानों और बदमाशों. कराची